या रसूलल्लाह वाकई किसी की नेकियां आसमान के सितारों किसकी? फौरन उनका ख्याल था हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर का जिक्र करेंगे तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया आयशा आसमान के सितारों के बराबर नेकियां मेरे उमर की हैं। उमर फारूक की नेकियां हैं आसमान के सितारों के बराबर। अब वो जो जेन में सवाल छुपा हुआ था वो जुबान पे आ गया, जो पस मंजर में था वो जुबान फौरन बोली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आसमान के सितारों के बराबर उमर की नेकियां तो अबू बकर सिद्दीक का क्या हाल है, मेरे वालिद की भी तो बात करें ना। अब हुजूर मुस्कुराए, यानी उस बात को समझ गए कि आयशा कहां लाना चाहती थी, पता तो पहले था। अब रसूल करीम अलैहि सलाम ने फरमाया आयशा आसमान के सितारों के बराबर नेकियां हैं मेरे उमर की, लेकिन अबू बकर की जिंदगी की एक नेकी उमर की सारी नेकियों से बढ़कर।